एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के इस नए मॉड्यूल में हम क्वालिटी कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे. वी विल आल्सो डिस्कस क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस. क्वालिटी कंट्रोल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड वी विल स्लाइड विद क्वालिटी. व्हाट इज एक्चुअली क्वालिटी? क्वालिटी इज सम ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज. वो तमाम की तमाम एट्रीब्यूट्स जो किसी प्रोडक्ट को डिफाइन करती हैं उसे हम क्वालिटी कहते हैं. क्वालिटी को और भी मुख्तलिफ डेफिनेशन से याद किया जाता है, जैसे फिटनेस फॉर पर्पस, टोटैलिटी ऑफ फीचर या कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट. ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसे आप बार बार इस्तेमाल करेंगे, कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट्स. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जिसे हम क्वालिटी रिप्रेजेंट करते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ फंक्शंस को हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन है या सेल्स है या प्रोक्योरमेंट यानी रॉ मटेरियल की परचेज है, मशीनरी की परचेज है या पैकिंग मटेरियल की परचेज है. तो प्रोक्योरमेंट अगर क्वालिटी की होगी तो यकीनन आप प्रोड्यूस भी क्वालिटी का करेंगे. अगर क्वालिटी प्रोडक्शन को आप सामने रखेंगे तो एक अच्छी चीज़ बना सकेंगे. और क्वालिटी सेल्स, ये भी आजकल एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, यानी सेल्स में भी हम क्वालिटी का ख्याल रखते हैं. क्वालिटी एश्योरेंस एक और सेगमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन में बराह रास्त चीफ एग्जीक्यूटिव या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या डायरेक्टर ऑपरेशंस के ज़ैल में आता है. क्वालिटी एश्योरेंस किसी एक प्रोडक्शन या सेल्स के ज़ैल में नहीं है, बल्कि एट पार. विद कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस वी कैन इम्प्रूव अवर सेल्स, वी कैन इम्प्रूव अवर प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के ज़ैल में इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल लैब्स मौजूद होती हैं, लेकिन उन प्रोडक्शन लैब्स को भी क्वालिटी एश्योरेंस इंडिपेंडेंटली डील करता है. ये स्लाइड क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का आपस का रिलेशन समझाने के लिए है. क्वालिटी कंट्रोल इज ए पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस. क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली टेस्टिंग से ताल्लुक रखता है, यानी आप सर्विसेज के जरिए आप मुख्तलिफ पैरामीटर्स को जज करके एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैनेज करते हैं. लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस जहाँ सेल्स के साथ इन टच होगा, वहाँ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी काम करेगा, यानी नई प्रोडक्ट्स जो मार्केट के रिक्वायर्ड हैं उनको बनाएगा. जहाँ प्रोडक्शन के साथ क्वालिटी एश्योरेंस का ताल्लुक होगा तो प्रोडक्शन में आने वाले मसाइल को हल करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी करेगा. और इन सब को क्वालिटी मैनेजर डील कर रहा है, जो बराह रास्त CEO या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जवाबदेह है. इन ए ग्लांस अगर हम देखें तो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब एक इंटरनल व्यू है, यानी हम एक इंटरनली प्रोडक्ट को जज करना चाह रहे हैं. एवरीबॉडी इन द शॉप, यानी हर बंदा अपनी अपनी जगह पर क्वालिटी प्रोडक्ट देने का या क्वालिटी स्टेप्स उठाने का रिस्पॉन्सिबल होता है. इस तरह ड्यूरिंग एन इंटरनल ऑडिट, जो फैक्ट्री के या किसी लैब्स के इंटरनली हम ऑडिट करते हैं, तो उसको क्वालिटी कंट्रोल कह सकते हैं. कैचिंग एरर से मुराद कि हम करेक्टिव एक्शंस के लिए जब एक गलती हो जाए तो गलती को ठीक करने के लिए जो काम करते हैं उसे क्वालिटी कंट्रोल कह सकते हैं. और बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल इज फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट, जबकि एक बिगर सिनेरियो में क्वालिटी एश्योरेंस एक एक्सटर्नल व्यू है, यानी ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे देखते हैं या ऑर्गेनाइजेशन की तमाम एक्टिविटीज वो क्वालिटी एश्योरेंस के जाल में आती हैं. जहां एवरीबॉडी रिस्पॉन्सिबल था इन क्वालिटी कंट्रोल, तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन जिसे हम इंडिपेंडेंट ऑडिट्स भी कह सकते हैं वो भी क्वालिटी एश्योरेंस, या एक बंदा जो प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं रखता वो अपने व्यूज को शेयर करता है क्वालिटी एश्योरेंस में. कैन बी आफ्टर द ऑडिट, यानी सिर्फ ऑडिट के दरमियान आने वाली फाइंडिंग्स ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको भी मॉनिटर करना क्वालिटी एश्योरेंस है. सिर्फ करेक्टिव एक्शन ही नहीं बल्कि प्रिवेंटिव एक्शन, यानी गलती होने ही ना पाए, कॉन्फिडेंस अबाउट द एरर्स, इसको भी हम क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं. और फोकस्ड ऑन ए प्रोसेस नॉट जस्ट ए प्रोडक्ट. तो क्वालिटी एश्योरेंस एक बिगर सिनेरियो है, क्वालिटी कंट्रोल हम सिर्फ टेस्टिंग या मॉनिटरिंग को कहते हैं. इस डिस्कशन के बाद अगर हम क्वालिटी की सिर्फ डेफिनेशन करें तो हम समझ सकते हैं क्वालिटी इज ए ब्लेंड ऑफ फिटनेस फॉर पर्पस, एडिक्वेसी ऑफ फंक्शनिंग एंड रिलायबिलिटी फॉर द प्राइस पेड. यानी कस्टमर जिस चीज़ की कीमत अदा कर रहा है, जब उसको अपने मतलब की चीज़ मिलेगी तो इसे हम क्वालिटी कहते हैं. इस तरह डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो उस क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए, जिसे हम टोटैलिटी ऑफ फीचर कहते हैं,
آج کل آپ کے سامنے ہے کہ مختلف پروڈکشن ہاؤسز پہ جب پنجاب فوڈ اتھارٹی کو ریٹ کرتی ہے تو بیسیکلی ہو سکتا ہے کہ پروڈکٹ کے ایٹریبیوٹ پر تو پوری اتر رہی ہو لیکن ٹوٹیلیٹی آف فیچرز میں اس کا سیناریو، اس کے پرسنل، اس کا انوائرمنٹ ساتھ نہیں دے رہا یا کوالٹی ریپرزینٹیشن نہیں دے رہا، اس لیے کوالٹی اس ٹوٹل فیچرز کی بات کر رہی ہے.